Hey guys, Nikita here. Welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY फेस पैक जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस फेस पैक को थ्रू आउट द ईयर कभी भी यूज कर सकते हैं। ये फेस पैक आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल बनाएगा, आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा, आपकी स्किन वेल मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रहेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं इन विंटर्स, लेकिन आप इस फेस पैक को अदर देन विंटर्स यूज ना करें अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस फेस पैक को थ्रू आउट द ईयर कभी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस फेस पैक के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और हमें इसे कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कर दीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, नहीं किया है तो अभी जरूर कर दीजिए ताकि आप ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ऑल्सो सब्सक्राइब के पास में होगा एक छोटा सा बेल बटन, उसको जरूर हिट करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप मेरे कोई भी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। हमें अराउंड 4 to 5 टीस्पून मूंगफली यानी कि पीनट्स लेने हैं और इसे हमें पानी में भिगो कर रखना है। ओवरनाइट हमें इसे भिगो कर रखना है और सुबह हम जब इसे यूज करेंगे तो इसमें से हमें सिर्फ यूज करनी है पीनट्स। इसका जो पानी है उसे हमें यूज नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि जो इसका पानी था उसका कलर चेंज हो गया है। एंड अभी हम इसमें डालेंगे रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। ये हमें 4 to 5 टीस्पून डालना है और इसे हमें कर लेना है ग्राइंड। ग्राइंड करके हमें इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। ओके, तो यू कैन सी कि पेस्ट रेडी हो चुका है। अभी इस पेस्ट में से मैं थोड़ा सा ले रही हूँ अराउंड 2 टीस्पून और फेस पैक को बनाऊंगी। इसके लिए मैं इसमें ऐड करूंगी डाबर हनी। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का हनी भी यूज कर सकते हैं। हनी हमें लेना है 1 टीस्पून एंड देन हमें इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स ताकि हमारा फेस पैक रेडी हो जाए। ओके, सो हमारा फेस पैक रेडी है एंड ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसको आप अराउंड 10 to 12 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है और जब भी आपको इसे अप्लाई करना हो तो आप इसमें से लेकर के थोड़ा सा हनी ऐड करके यूज कर सकते हैं। फेस पैक अप्लाई करते टाइम मेक श्योर करें कि आपके फेस पे किसी भी तरह का मेकअप ना हो। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमने यूज किया है पीनट्स। पीनट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। पीनट्स में विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। प्री मैच्योर एजिंग, फाइन लाइन्स, रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, साथ ही डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। ये हमारे स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सफल बनाता है, साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखता है, हमारी स्किन को ड्राई और फ्लेकी होने से भी बचाता है। इसमें हमने रॉ मिल्क भी डाला है। रॉ मिल्क हमारी स्किन की डीप लेयर्स को नरिश करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है जिससे कि हमारी स्किन स्मूथ और सफल बनती है। रॉ मिल्क से डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है। साथ ही ये हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाता है। साथ ही हमने इसमें यूज किया है हनी। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। हनी में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी है जो कि एजिंग जैसी प्रॉब्लम्स को स्लो डाउन करते हैं। हनी स्किन को क्लेंस करता है, सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। इस फेस पैक को आपको अप्लाई करके रखना है अराउंड 15 टू 20 मिनट्स, उसके बाद आप इसे धो लें। इस फेस पैक को आप यूज कर सकते हैं ट्वाइस इन अ वीक, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसे वीक में 3 बार भी यूज कर सकते हैं। फेस को धोने के बाद यू विल सी कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल हो गई होगी। आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो आ गया होगा एंड आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा बेबी सॉफ्ट हो गई होगी।
सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो. आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा. कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ऑल्सो इस फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए ताकि आप ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करें. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. दोनों की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, ऑल्सो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी. चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.